बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट बोर्ड में इससे एक भी सवाल आपका बनने वाला नहीं है, चांसेस तो यही है, बट फिर भी एक मान सकते हैं कि शायद बन जाए, बट नहीं बनता। और अगर बन भी गया तो इसके अंदर दो फॉर्मूलाज हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है और कुछ पूछा नहीं जाएगा। बट हाँ, सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन तो यहाँ से कंफर्म आने ही वाला है। कौन से भी शिफ्ट का पेपर हो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से एक सवाल आपको सीटी में देखने को मिलेगा जरूर, वो भी टॉपिक ऑसिलेशन से। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वन को अच्छे से रिवाइज दिया होगा ताकि आपको आज कोई दिक्कत ना आवे। ठीक है, आइए यहाँ पे आइए। पहले इसको एक हम लोग सरफेस दे दें, फ्रिक्शन लेस। ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस दे देते हैं इसको। और ये जो भाग है इसको हम लोग हाइड कर देते हैं ताकि एक परफेक्ट मिल सके हम लोगों को। आ जाओ, चलो देखो बच्चों। यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर आपके पास में क्या है, आपके पास में एक स्प्रिंग है और एक आपके पास में ब्लॉक है। जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और उसके ऊपर एक बार मास बताऊं मैं, मास एम। अब सवाल ये है कि बच्चों आपको यहाँ पर निकालना है टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, इस क्योंकि यहाँ पर सवाल और कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर सवाल आपको आएगा टाइम पीरियड का ही। ठीक है, सवाल यहाँ पे आपका बनने वाला है सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड का ही। देखो यहाँ पर मतलब बन तो बहुत सारे सकते हैं, बट सीटी में टाइम पीरियड पे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सपोज करो कि इस ब्लॉक को मैं फोर्स लगा के आगे लेके गया। ठीक है, मैं इसको आगे खींच के लेके गया और ये अभी इक्विलिब्रियम पोजिशन में। ठीक है बच्चों, ये अभी एट इक्विलिब्रियम पोजिशन पे ये रखा हुआ है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मतलब ये इसका मेन पोजीशन है, जहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, जहां पर कोई बात नहीं, जहां पर x इक्वल टू क्या है बच्चों, जहां पर x इक्वल्स टू 0 होगा। चलो मान लो कि आपने इस ब्लॉक को आगे लेकर आए और ये ब्लॉक आपका आ गया यहां पर। ठीक है बच्चों, ये ब्लॉक आपका आ गया यहां पर। ठीक है, अब एक बात ये बताओ, ये जो स्मॉल एम मास एम का जो ब्लॉक है, ये जो मास एम का ब्लॉक है, ये तो गया डिस्प्लेसमेंट एक्स आगे। ठीक है, ये तो गया डिस्प्लेसमेंट एक्स आगे, बट यहां जाने के बाद में रिस्टोरिंग फोर्स इसको पीछे खींचेगा, रिस्टोरिंग फोर्स इसको पीछे खींचेगा। तो ये तो हम सबको मालूम है बच्चों कि यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। सेम एक्सलरेशन एंड इसका डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ध्यान देना आप लोग, यहां पे क्या मिल गया था अपने को, ये अपने को मिल गया था एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, यहां से मिल गया था मेरे को। ठीक है, बट अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात यहां पे करने वाला हूं, तो मैं माइनस नहीं लगाऊंगा के एक्स यहां पे लिखता हूं मैं। एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस इज माई के एक्स। तो यहां पर क्या मिल गया था मेरे को बच्चों, यहां मुझको मिल गया था ए इक्वल्स टू के बाय एम इंटू एक्स, वेयर के बाय एम इज, वेयर के बाय एम इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जहां पर के बाय एम क्या था बच्चों, के बाय एम था ओमेगा स्क्वायर। ध्यान देना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय एम। ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एन। एक काम करो, इसको रूट दे दो, तो ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ के बाय एम, ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ के बाय एन, एंड ओमेगा इज माय 2 पाई एन और 2 पाई एफ, फ्रिक्वेंसी को एन और एफ दोनों से दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, के बाय एम। तो यहां से फ्रिक्वेंसी क्या मिल जाएगी बच्चों, 2 पाई नीचे ले लो, दूसरा रंग दे देता हूँ मैं इसको। यहां से फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाएगी, 2 पाई नीचे ले लो, 1 अपॉन 2 पाई इंटू रूट ऑफ
के बाय एम इंटू रूट ऑफ के बाय एम। और ठीक है बच्चों, और टाइम पीरियड क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, टाइम पीरियड इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ आई विल गेट टाइम पीरियड एज 2 पाई इंटू रूट ऑफ एम बाय के। टाइम पीरियड क्या मिल गया बच्चों, 2 पाई रूट ऑफ एम बाय के। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमको लास्ट टाइम भी मिला था और आपको ये याद है। टाइम पीरियड क्या है बच्चों, 2 पाई इंटू रूट ऑफ एम बाई के, ये आपको ध्यान में रखना है। 2 पाई इंटू रूट ऑफ एम बाई के, 2 पाई इंटू रूट ऑफ एम बाई के, 5 बार बोलो मेरे साथ, 2 पाई इंटू रूट ऑफ एम बाय के। टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों यहाँ पे, 2 पाई इंटू रूट ऑफ एम बाय के। इतना समझ गया आपको, क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले शेप के ऊपर। ध्यान से देख लो, मैं यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्प्रिंग और सिंगल ब्लॉक जब साथ में अटैच दो तो टाइम पीरियड क्या होगा, और कोई कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, वो आपका आगे है। ठीक है बच्चों, वो आपका क्या है, वो जो कॉम्बिनेशन है वो आपका आगे है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। मैं भी पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग एक बार थ्योरी भी वहां से पढ़ लेना। यह आपका है बच्चों पेज नंबर, अरे कहाँ भाग गया मेरे भाई। देखो बच्चों पेज नंबर 116 के ऊपर, ठीक है बच्चों, पेज नंबर 116 का फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो ये फिगर कहाँ से आया, कैसे सॉल्व करना सब मैं बताऊंगा। ठीक है चलो आ जाओ, और एक सीईटी का पीवाईक्यू भी लेंगे इसके ऊपर जो बढ़िया सा पूछा गया था। आइए अब इस वाले फिगर पे चलते हैं। ध्यान से देखो एक और चीज बच्चों, ध्यान में रखना कि ये जो सरफेस है ना, सरफेस ये सरफेस है फ्रिक्शनलेस। ठीक है, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस मींस म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। ठीक है आ जाओ, चलो अब एक काम करो, थोड़ी सी ताकत लगाओ, थोड़ी सी ताकत लगाओ और इस ब्लॉक को नीचे लेके जाओ, इस ब्लॉक को नीचे लेके जाओ। ठीक है बच्चों, इस ब्लॉक को नीचे लेके जाओ, थोड़ी सी ताकत लगाओ और इस ब्लॉक को नीचे लेके जाओ, तो ये यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर पहुंच गया है। चलिए देखिए, ये स्मॉल एम का ब्लॉक है यहाँ पर। ठीक है, स्मॉल एम का ब्लॉक है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स नीचे आएगा लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इसको ऊपर खींचना चाहेगा। अगेन मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, यही सब मिलने वाला है, यही सब मिलने वाला है मुझे। फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। आइए क्या यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एफ इक्वल्स टू के एक्स मिल जाएगा। मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, बट आई वांट टू टेक ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ये क्या है, मेरा मास इनटू एक्सलरेशन है, दैट इज के बाय एक्स, सॉरी दैट इज के इनटू एक्स। तो एक्सलरेशन क्या मिल जाएगा, के बाय एम इनटू एक्स, वेयर आई एम गोइंग टू पुट ओमेगा स्क्वायर एस के बाय एम। तो यहाँ पे ओमेगा क्या मिल जाएगा बच्चों, रूट ऑफ के बाय एम। ओमेगा इज माई 2 पाई एफ इक्वल्स टू रूट ऑफ के बाय एम, रूट ऑफ के बाय एम। एफ इज नथिंग बट 1 बाय टी, मीन्स ओमेगा इज ऑल्सो रिटर्न एज 2 पाई बाय टी, इट इज के बाय एम। तो नाउ टी क्या मिल जाएगा, टी वहां जाएगा, ये रेशियो यहाँ पे उल्टा हो गया आएगा, क्या क्या मिल जाएगा, 2 पाई इंटू रूट ऑफ एम बाय के, 2 पाई इंटू रूट ऑफ एम बाय के। ठीक है बच्चों, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 2 पाई टू रूट ऑफ एम बाई के। मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जहां पर भी सिंगल ब्लॉक सिस्टम अटैच है, जहां पर भी सिंगल ब्लॉक सिस्टम अटैच है, सिर्फ एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक, बस। सिचुएशन कैसा भी हो, कैसा भी डायग्राम आपको दिया हो, पुली दिया हो या फिर कोई स्लोप वगैरह दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों, टी इंटू 2 पाई रूट ऑफ एम बाय के, टी इंटू 2 पाई इंटू रूट ऑफ एम बाय के। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ऐसा एक स्लोप लिया हुआ है जो एंगल थीटा पे है, ये है मास m। यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है मुझे। देखो यार सीधी सी बात है, ये अगर थीटा यहाँ पर है तो एक जाएगा साइन थीटा, एक जाएगा कॉस थीटा। तो ये मुझे पूरा पता है कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि ये आपका बन गया होगा mg साइन थीटा,
अरे ये अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स आगे आता है, ये अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स आगे आता है तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको पीछे खींचेगा। मैंने क्या बताया आपको, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया बच्चों कि अगर सिंगल स्प्रिंग है, सिंगल ब्लॉक है, सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो यहां पर टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, 2π (√mK). क्या होगा बच्चों, t = 2π (√mK). t = 2π (√mK) होगा। ठीक है, आ जाओ, चलिए एक अलग केस लेते हैं, जरा आइए। अलग केस लेते हैं, जरा देखिए इसको। सपोज कीजिए कि यहां पे जो स्प्रिंग का ये जो जगह है, ये किसी रिजिड सरफेस से अटैच्ड है, और यहां पे आप जब इसको प्रेस करेंगे, यहां पर ये है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, मींस x = 0, और जब आप इसको प्रेस करेंगे मींस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में जाएगा, लेकिन इसका रेस्टोरिंग फोर्स इसको ऊपर खींचना चाहेगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा बालको, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा बताइए। यहाँ पे टाइम पीरियड भी मेरे बच्चों t = 2π (√mK) होगा। क्या होगा बच्चों, t = 2π (√mK) होगा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो बढ़ा जाए थोड़ा सा आगे, और आपको दिया जाता है एक स्पेशल केस जो मैं दूंगा आपको अभी। आइए ध्यान से देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सब लिख लिया, और नहीं लिखा है तो थोड़ा सा पॉज मार के आप लोग इसको लिख लिया कीजिए। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पॉज मार के चलिए देखिए। आप सपोज कीजिए, ऐसे मान के चलिए कि ये अभी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, ये किसी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्रेजेंट है। ठीक है, ये किसी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है। ठीक है, और इसी के जैसा एक सेम फिगर और है जो नॉर्मल रखा गया है। मैं इसका टाइम पीरियड मान लेता हूँ T1, और इसका टाइम पीरियड मान लेता हूँ मैं T2। तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, बताइए। ऑप्शन A = T1 = T2, ऑप्शन B = T2 > T1, एंड ऑप्शन C = T2 < T1, एंड ऑप्शन D = none of this। चलिए बच्चों सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। ठीक है, ठीक है, सोचिए, क्योंकि यहां पर इस मास के ऊपर मैंने एक चार्ज क्यू भी रखा है, और वहां पर क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक बात बताइए, देखिए जैसे कि ये वाला सिचुएशन दिया गया आपको, आप लोग सोच के बताइए यार, वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या वो वाइब्रेट नहीं करेगा? करेगा ना यार, वो तो वाइब्रेट करेगा ही करेगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बदल जाएगा उसके अंदर? कुछ भी हो जाए, बट टाइम पीरियड तो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहते हुए भी अपने वाइब्रेशन को टू एंड फ्रो अबाउट मेन पोजिशन करता ही रहेगा। तो T1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, 2π (√mK). अगेन T2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, 2π (√mK), दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, T1 और T2 क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। देखना है यहाँ पर, समझना, अच्छे से समझने की कोशिश करना इसको, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस, मास के ऊपर चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या प्रेजेंट है, मान लो उसको निकाल लो तो क्या फर्क पड़ेगा, यही फिगर बन जाएगा। तो वही काम तो ये यहां भी करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट रहते हुए करना क्या उसको, टू एंड फ्रो के अबाउट मीन पोजीशन, क्या अबाउट क्या, वाइब्रेट करना है बस। ठीक है, समझ गए। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, टाइम पीरियड अपना बराबर होगा। ठीक है, चलो एक और केस लिया जाए, जरा थोड़ा इसको छोटा किया जाए। चलो तुम साइड में चलो,
देखो यहाँ पर मैं क्या लूंगा, डायग्राम किसके साथ बनाया जाए, चलो ट्राई करते हैं, खुद से ही ड्रॉ करना होगा। चलो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने यहाँ पे लिया है एक पुली। ठीक है बच्चों, क्या लिया मैंने, पुली लिया है मैंने यहाँ पे विद वेरी लाइट स्ट्रिंग, मासलेस मासलेस पुली है ये। ठीक है, ध्यान देना कि यहां पर ये इससे अटैच है स्प्रिंग, और यहां पर एक ब्लॉक मास एम लगा हुआ है। तो बताइए बच्चों कि अब इस केस में जब ये नीचे जाएगा तो इलोंगेशन कैसा होगा बच्चों, तो इलोंगेशन कैसा होगा, और ये पुली बिल्कुल क्या है बच्चों, फ्रिक्शनलेस है। समझ गए, मैंने क्या बताया था आपको, अगर सिंगल ब्लॉक सिस्टम हुआ, अगर सिंगल ब्लॉक सिस्टम होता है, अगर सिंगल ब्लॉक सिस्टम होता है तो व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज नथिंग बट माय बॉयज एंड गर्ल्स दैट इज 2π√m/k, 2π√m/k, 2π√m/k अपना होगा। समझ गए, तो मेरे हिसाब से तो ये फॉर्मूला आपके नसों में बहने लगा होगा। बस अब अपने आप, अब हमको जाना है अगले केस के ऊपर, जहां पर क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर इन स्प्रिंग्स को सीरीज में रखा जाए तो क्या होगा, और इनको अगर पैरेलल में रखा जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट मार लो यार इसका एकदम भौगोलिक रूप से। हेलो बच्चों, स्क्रीनशॉट मार लो इसका, देखो कहाँ गया भाई, ये लो स्क्रीनशॉट मार लो इसका, बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। चलो देखो अब 2 मिनट, जरा एक काम किया जाए, स्लाइड का कॉपी किया जाए, क्योंकि हमको इसकी अभी कोई जरूरत ना है। ठीक है, फ्रेम में दिख रहा है ना, बाहर नहीं है। चलो देखो आ जाओ, देखो ठीक है बच्चों। चलो देखो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने बच्चों यहां पर एक क्या लिया, सिस्टम लिया जिसके अंदर दो स्प्रिंग लगाए, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एक का K2, और एक सिंगल मास यहां पर मैंने अटैच किया हुआ है। अब एक बात ये बताओ, अगर इसी को देखते हुए, ठीक है बच्चों 2 मिनट, शायद फिगर कंबाइन करना पड़े। चलो देखो, मान लो कि अगर इसमें इस ब्लॉक को थोड़ा आगे इंक्रीज किया जाता है, इसको थोड़ा आगे, अगर यहाँ पे इसको थोड़ा आगे इंक्रीज किया जाता है, मान लो यहाँ तक, ठीक है, मान लो इसको यहाँ तक इंक्रीज किया जाता है, बताओ यहां पर अब मेरा कंसर्न ये है बच्चों कि भाई साहब ये तो है एट x=0, क्योंकि ये कहाँ है, ये इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम पे, ये इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे, ये इसका है मीन पोजीशन, ये इसका है मीन पोजीशन, जहां से ये कुछ x डिस्प्लेसमेंट आगे गया है, जहां से ये कुछ x डिस्प्लेसमेंट आगे गया है। रुको 2 मिनट चाहिए था ना, मैं इसको ना थोड़ा छुपा देता हूँ ताकि आपको लगे सही है भाई। दो मिनट यार, देखो यार ठीक है,
चलो आ जाओ देखो ये क्या है, इसका मेन क्वेश्चन है। डेफिनेटली स्प्रिंग भी क्या होगा, इलोंगेट होगा। अब एक बात बताओ यार, ये जो मेरे को डिस्टेंस एक्स मिला है, क्या ये K2 स्प्रिंग से आया है, क्या ये K1 स्प्रिंग से आया है, या उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आया है? K1 ने कुछ एक्स लिया होगा, K2 ने कुछ एक्स लिया होगा, और ये एक्स इन दोनों कॉम्बिनेशन है। डेफिनेटली यार दिख रहा है कि कॉम्बिनेशन ही है। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ भाई साहब, कि ये है इनका कॉम्बिनेशन x=x1+x2। ये इनके कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। अब एक बात ये बताओ, फॉर्मूला क्या था? f=kx, ठीक है, f=kx। यहां से x क्या मिल गया मेरे को बच्चों? x मेरे को मिल जाएगा k/f, ठीक है, k/f मिल जाएगा मुझे। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। x क्या मिल जाएगा मुझे? k/f मिल जाएगा। एक बात ये बताओ आप लोग कि इसको जो फोर्स दिया जा रहा है, फोर्स तो दोनों के लिए कॉमन है। फोर्स क्या बच्चों? फोर्स तो दोनों के लिए ही कॉमन है। फोर्स क्या बच्चों? फोर्स दोनों के लिए ही कॉमन है। वेट 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 वेट, जरा इसको सही सही करो। f=kx था तो x मिल जाएगा f/k, ठीक है। फोर्स तो दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए फोर्स में तो कोई चेंजेस होने से रहा। यहां पे x की वैल्यू पे क्या रख सकता हूं मैं? f/k रख सकता हूं, और x1 की जगह पे क्या रख सकता हूँ? f/k1, क्योंकि फोर्स तो कॉमन है, और f2 की जगह पे f/k2। इसको देखते हुए तो यहां से f सबका कॉमन निकाल लूंगा, तो अगेन f/k=f कॉमन निकाल लो, 1/k1+1/k2, ठीक है बच्चों। तो f से f क्या हो गया? कैंसल हो गया। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? k=1/k1+1/k2। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ये k1+k2/k1k2, दैट इज 1/k। नाउ यहाँ पे k क्या मिल गया मेरे को? k मेरे को मिल जाएगा k1 k2 divided by k1 plus k2। समझ गए आप लोग? कोई प्रॉब्लम? मतलब यहां पे जो के इक्विवेलेंस है, के इक्विवेलेंट की वैल्यू, कि इन दोनों के लिए जो कंबाइन के है वो क्या आएगा बच्चों? k1 k2 divided by k1 plus k2, दैट इज माई के इक्विवेलेंट। आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो, k=k1 k2 divided by k1 plus k2। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 116 पे राइट साइड के फर्स्ट लेफ्ट के फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? यही सेम चीज इसके साथ भी होगी बच्चों, देख लेना। अगर सीरीज को पहचानना है तो समझ जाओ यार कि उनका दो एंड, ठीक है, वो क्या होंगे? आपस में किसी कॉमन एंड से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, बढ़े। चलिए अब बारी है पैरेलल वाले की, अब बारी है पैरेलल वाले की। तो रुक जाओ, यहाँ से डायग्राम तो कुछ निकालना पड़ेगा आपको, अपने को। इसको निकालो, इसको रखते हैं यार, इतने काम करें थोड़ा सा। आओ देखो, इसका K1 है, इसका K2। चलो देखो यहां पर, अब ये वाला है बच्चों पैरेलल वाला केस, जैसे कि इसको मैं बोल सकता हूं सीरीज वाला केस, ठीक है। ये है सीरीज वाला, वैसे ही ये है पैरेलल वाला केस, ठीक है बच्चों। ये क्या है? पैरेलल वाला केस है। तो आइए अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। चलिए
देखिए यहां पर, देखो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर एक ऐसा सरफेस रखा है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर सपोज करो कि अब इसको फोर्स लगा के आगे खींचा जा रहा है, इसको फोर्स लगा के अब आगे खींचा जा रहा है, ठीक है। इसको फोर्स लगा के आगे खींचा जा रहा है, और मान लो कि ये यहां तक पहुंच गया, ये यहां तक पहुंच गया, ठीक है बच्चों। ये यहां तक पहुंच गया, किससे पहुंच गया बच्चों? इसने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया। अब एक बात ये बताओ यार, यही डिस्प्लेसमेंट के वन स्प्रिंग ने कवर किया होगा और यही डिस्प्लेसमेंट के टू स्प्रिंग ने भी कवर किया होगा, मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम है, हाँ या ना? यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट लिया गया है फॉर द के वन वो भी सेम है, और जो डिस्प्लेसमेंट लिया गया के टू वो भी सेम है, समझ गए? और जो फोर्स लगाया जा रहा है वो भी सेम है। यहां पर जो दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है मेरे बच्चों, वो फोर्स भी क्या है इनके लिए? वो फोर्स भी दोनों के लिए सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कॉमन फोर्स लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट भी कॉमन आ रहा है, तो इनके लिए मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कॉमन फोर्स, जो फोर्स स्प्रिंग के वन पे लगा और स्प्रिंग के टू पे लगा दोनों कॉमन था। तो देखो ना, एक फोर्स लगा रहा हूं, थोड़ा इसको लगा होगा, थोड़ा इसको लगा होगा, इसके ऊपर F1 लगा होगा, इसके ऊपर F2 लगा होगा, और डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या है? कॉमन है। F मेरा क्या होता है बच्चों? KX होता है। एक काम करते हैं यार, इसको नाम दे देते हैं K सीरीज, ठीक है, और K इक्विवेलेंट, और इसको नाम दे देता हूं मैं K पैरेलल। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं के पैरेलल, के एक्स इक्वल्स टू F1 में क्या मिल जाएगा मेरे बच्चों? F इक्वल्स टू F1 प्लस F2, तो ये मिल जाएगा के वन एक्स प्लस के टू एक्स, टेकिंग एक्स बाहर कॉमन निकाल लो, यहां पे क्या मिल जाएगा? यहां पे मिल जाएगा के पी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू एक्स के वन प्लस के टू, ठीक है। ध्यान दो अभी यहां पर, ये इससे निकल जाएगा, तो यहां का के इक्विवेलेंट क्या मिल गया मेरे को बच्चों? यहां का के इक्विवेलेंट मेरे को मिल गया के वन प्लस के टू, कोई प्रॉब्लम है यहां पे? नहीं, ठीक है। यहां का के इक्विवेलेंट क्या मिल गया मेरे को बच्चों? ये मुझको मिल गया के वन प्लस के टू, कोई प्रॉब्लम है यहां पर? नहीं। अब देखो पैरेलल को कैसा पहचाने बच्चों? पैरेलल को पहचानने का एक ही रास्ता है कि आप ये देख लो कि उनके दोनों स्प्रिंग का एक एंड किसी कांस्टेंट चीज से अटैच होगा, दोनों स्प्रिंग का एक एंड किसी न किसी कांस्टेंट चीज से अटैच होगा, ठीक है। चलो, या फिर दोनों स्प्रिंग का एक एंड कॉमन मास से अटैच होगा, ठीक है। क्या मिल गया? के वन प्लस के टू। आ जाओ अब यहां पर, ये देखो इसका भी के इक्विवेलेंट यही आएगा बच्चों, के वन प्लस के टू। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका दोनों का एक एंड कॉमन मास एम से अटैच्ड है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पर आगे जाया जाए, देखिए यहां पर सपोज कीजिए मैंने एक सिचुएशन लिया है, यहां पर आपको ऐसा सिस्टम दिया जाता है कि यहाँ पर एक मास m है और यहाँ से भी एक स्प्रिंग इसके साथ में अटैच है, ठीक है बच्चों। यहाँ से भी क्या है? एक स्प्रिंग इसके साथ में अटैच है, इसका इसका k है, इसका भी k है, तो इसका टाइम पीरियड बताइए क्या होगा? ये इसका टाइम पीरियड बताइए बच्चों क्या होगा? इसका टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? ये आपको मिल जाएगा 2π रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई, ये पैरेलल है ना बच्चों, तो यहां पर क्या आएगा? k इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल के लिए, तो 2π इंटू रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय
के वन प्लस के टू। सपोज करो अगर यही चीज सीरीज में होती तो, सपोज करो बच्चों कि अगर यही चीज, कि अगर यही चीज आपकी सीरीज में होती तो क्या होता यार, अगर यही चीज आपकी बच्चों सीरीज में होती तो क्या होता, अगर यही चीज सीरीज में होती तो मुझे एक बात मालूम है, क्या मालूम है वो, कि मेरे के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये होगी के वन के टू डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू होगी। ठीक है, यहाँ पे के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, के वन के टू प्लस के वन बाय के टू। ठीक है, तो यहां पर भी लिख दो यार, के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू के वन प्लस के टू। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर, अभी यहां पर टाइम पीरियड क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मेरे को मिल जाएगा टू पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के की जगह पे क्या आएगा, के इक्विवेलेंट मेरे को अब लिखना होगा, तो टू पाई इंटू रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, के वन के टू डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू। अगेन बच्चों ये ऊपर जाएगा तो टू पाई इंटू रूट ऑफ एम इंटू के वन प्लस के टू डिवाइडेड बाय के वन के टू। समझ गए, के वन प्लस के टू डिवाइडेड बाय के वन के टू, ये है मेरा इसका टाइम पीरियड। समझ गए क्या है, टाइम पीरियड है इसका, तो आंसर हमने लिखा ही नहीं यार, यहाँ पे दोनों के क्या है समान है, तो टू पाई इंटू रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई के प्लस के क्या मिल जाएगा, टू के मिल जाएगा, इसका आंसर होगा ये। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टी इक्वल्स टू टू पाई, टी इक्वल्स टू टू पाई रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई टू के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिस्टल क्लियर से समझ रहा है आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब देखिए यहाँ पर बच्चों मैं एक सीईटी का क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं डायग्राम आपको यहाँ पर बना के देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ऐसा था, वो क्वेश्चन ऐसा था कि यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और स्प्रिंग यहाँ पर भी है, मैं कॉपी करो यार अपने पास तो जुगाड़ है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक ऐसा रॉड जैसा चीज लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसमें लगा हुआ है स्मॉल मास m, और पूछा गया है व्हाट इज द टाइम पीरियड, और इनका दिया गया है कि ये के है ये के है ये के है। यार अभी आपको एक चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या दिखाई दे रहा है कि इसका जो के इक्विवेलेंट मिलने वाला है, ये तो पैरेलल में है, तो के इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, टू के मिल जाएगा। हाँ या ना, के इक्विवेलेंट ने, तो एक काम करता हूँ ना यहाँ पर, इसको काट कर केपी कर देता हूँ, के पैरेलल। ठीक है, अब दोनों सीरीज में है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो टाइम पीरियड कितना, पहले एक काम करो इसके लिए के इक्विवेलेंट निकाल लो यार, ये सीरीज में है ना, इसको एक यहाँ पे कॉमन कर दो यार, इसको यहाँ पर इसको एक कॉमन कर दो यार, ध्यान से देखना कि अगर मैं इसको कॉमन कॉमन कर देता हूं, इसको अगर कॉमन कर दिया जाए तो आप लोग देख सकते हो यार, अब इसका के इक्विवेलेंट ये टू के हो गया ना, तो के इक्विवेलेंट अब मेरे को क्या मिलना चाहिए, यहां पर सीरीज बन गया भैया, अब सीरीज बन गया, सीरीज का फॉर्मूला क्या है, के वन के टू मीन्स टू के इन टू के डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू मीन्स टू के प्लस के, ये मेरा बन जाएगा टू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री के। फॉर्मूला क्या है बच्चों, के इक्विवेलेंट इन सीरीज का के वन इन टू के टू डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू, दैट इज टू के इन टू के डिवाइडेड बाय टू के प्लस के, तो के से के क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर मेरा आ गया टू बाय थ्री इंटू के, ये मेरा आ गया के इक्विवेलेंट। अब ये कहाँ पुट होगा यार, ये मेरा पुट होगा टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टू पाई इंटू रूट ऑफ एम बाय के, टू पाई इंटू रूट ऑफ एम बाय के क्या बन जाएगा, ये टू पाई इंटू डिवाइडेड बाय एम अपॉन टू बाय थ्री इंटू के, ये क्या जाएगा ऊपर बन जाएगा, ये बन जाएगा थ्री बाय टू, देन टी इक्वल्स टू टू पाई इंटू रूट ऑफ थ्री बाय टू एम बाय के। ठीक है, ये आ गया इसका टाइम पीरियड, सीटी का सवाल था बच्चों 2023 का, डिट्टो यही सवाल पूछा गया था आपको। समझ गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम है यहां तक आपको,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज हमने एक बढ़िया टॉपिक कंप्लीट किया, स्प्रिंग लॉ सिस्टम। बच्चों यहां से आप समझो चलो कि सीटी में एक सवाल कंफर्म यहां से आपको आएगा ही आएगा और देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग शुरू करेंगे अपने फिर से क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए और अपने अगले टॉपिक को देखते हुए, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल सिस्टम, ठीक है बच्चों, कि ग्राफिकल डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है इक्वेशंस का। जो तीन इक्वेशंस अपने को मिले हैं, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर उसके उसके बाद में क्या था, वी इक्वल्स टू साइन है ना, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, उसके बाद में क्या था, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए, और अगर कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।